हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ कपिंग हिजामा। आज जो हम कर रहे हैं ये नेक पेन एंड बैक पेन के लिए कर रहे हैं। ये जिन पेशेंट को हम कर रहे हैं अभी, इनको पिछले करीब 5 सालों से बैक में दर्द है, जिनको डिस्क प्रोलैप्स कहा गया है इनको। इनफैक्ट हमने MRI भी देखा, उसमें भी देखा हमने। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ पहले आप नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उस पर सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे और देखते ही रहे, अभी देखते रहे अभी। सो दिस इज़ द थर्ड स्टरलाइजेशन प्रोसेस में जो हम करते हैं। पहले हम सवलॉन यूज़ करते हैं, देन उसके बाद हम बेटाडीन, उसके बाद हम स्प्रिट का यूज़ करते हैं। अभी हम 3 बार इसको वॉश कर चुके हैं, बिकॉज स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। आपके ग्लव्स हाइजीनिक होने चाहिए, आपके गन हाइजीनिक होने चाहिए, कप नया होना चाहिए, नए के साथ साथ स्टेराइल होना चाहिए। आज जो हम कर रहे हैं नेक एंड बैक के लिए और प्लस कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जनरल वेलबींग के साथ जो मतलब हमसे इस सेशन में कवर हो सकता है मैक्सिमम वो करने की, और आखिर में हम पेशेंट से एक बार बात भी करेंगे कि इनको कैसा लगा, इनको क्या फील हुआ, सब बात करेंगे। तो वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट ए नया स्टेराइल जो आप देख रहे हैं, मैंने अभी जस्ट अनपैक किए हैं। एंड हम दोबारा ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, बिकॉज इस चीज़ों का सबसे हर एपिसोड जो भी आप मेरा हमें हमारा देखेंगे उसमें आप इस चीज़ का ज़रूर देखेंगे कि हम स्टरलाइजेशन पर हमेशा ध्यान देते हैं, इन्फेक्शन पर ध्यान देते हैं कि इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को उस चीज़ का, या हेपेटाइटिस का खतरा रहता है। जैसे यूज इट कब दोबारा यूज़ किया करते हैं लोग पेशेंट पे, या ब्लेड या 2-4 पेशेंट को इकट्ठे करते हैं, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान दें। और जिस रूम में आप करते हैं उसको फ्यूमिकेट करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी, आपके करियर के लिए भी। तो वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, मैं आपको एक कप पे बस दिखाता हूँ, दैट्स इट। तो ये हम एक कप पे आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में तेज़ी से दिखाएंगे हम। तो थोड़ा सा पेशेंट को क्या है, हल्का सा इसमें फील होता है ज़रूर, बट इतना ज़्यादा उसको पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे चीटी काट रही है कुछ, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं कितने माइन्यूट से कट्स होते हैं। तो अगर आपको पेशेंट को पेन होता तो डेफिनेटली पेशेंट हिलता, उधर इधर राइट लेफ्ट करता या चलाता, बट इतना होता नहीं है। तो वी आर डन, हमने पूरी कट लगा चुके, अब हम इसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे। सो वी आर डन विद इंसिजन, जैसे कि आप देख रहे हैं हम पूरे इंसिजन दे चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम बस जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन द वैक्यूम, देन सो दैट आफ्टर फ्यू मिनट्स विल विड्रॉ दीज ऑल दीज कप्स एंड विल रिमूव दीज कप्स एंड विड्रॉ दैट ब्लर वट एवर वी आर गेटिंग एंड विल पुट दीज कप्स अगेन ऑन द स्किन। एंड आफ्टर वंस वी फिनिश दिस सेशन विल डेफिनेटली विल टॉक विद द पेशेंट, विल आस्क हिम अबाउट हिज एक्सपीरियंस, how he felt, is he feeling good, is he feeling bad, whatever he is feeling, definitely we'll ask him. So we just keep watching. So now we are going to remove some cups as you can watching. So this is the cup, see what we got inside this cup, it is just kind of a liver, it's just piece of a liver. This is the blood which is not good for the health, which is accumulated just beneath the skin, which is you know, if you can test this blood you can find it dead cells or immature or goose cells. These are the cells which we withdraw from the blood. Now this way you know it will help. Now we have withdrawn these things, now body will there will be an increase in the circulation over there, that is good for the health. And in fact after this session within 5 minutes patient will definitely feel lighter. So now we are going to remove next cup. See, watch now for the next cup. See what we got. Can you just see what we got? This is just a. See, this is what we got inside this cup. So we are done with the cupping. Now what we are doing? Now what we have to do? This is the betadine which we are going to put on every area, and now he can't have tea today, and with milk tea and non-veg he has to avoid, that will help him to
his problem, to relieve his problems. So now we are going to put some sterile gauze on it and we'll cover it. So we can have a bath tomorrow, not today. And we'll ask him questions definitely, how he is feeling. So now we are done. Now I have to, as you know, we have covered this with the sterile gauzes, and now I'll put some, this is the paper tape. Sit, sir. Slowly you can get up and sit slowly. Towards the back. Yes, just sit. Okay. Just sit here. Slowly. Are you feeling comfortable? Yeah. Do you feel dizziness or something? Yeah. It will take few minutes. No problem. And okay. Are you feeling light? Yeah. Lighter? Feeling good? Feeling good. Better. Okay. So he was our patient. We had done cupping for his back and neck. So thanks guys. If you like this video, please like and share and subscribe our video. And if you have any question and query, please write down to the below comment box section. We'll try to answer your query. Thanks for watching. Thank you very much.